और जो इग्निशन वायर KTM में दी है वो हम लोग आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर फॉर एक्सेसरीज हे गाइज वेलकम बैक टू येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ इनसाइड आउट इंडिया। आई होप आप सभी लोग मस्त हैं, मजे में हैं और सेफ हैं। दोस्तों पिछला जो वीडियो था वो था अबाउट मैड डॉग ऑक्सिलरी परफॉर्मेंस लाइट दैट इज डेल्टा एंड अल्फा। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पराए बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और आज का वीडियो है वो उसी के वीडियो का थोड़ा सा कंटिन्यूशन है, मतलब आज मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू इंस्टॉल दिस परफॉर्मेंस लाइट्स ऑन योर मोटरसाइकिल। तो आज जो हमारे पास मोटरसाइकिल आई है वो है KTM 390 एडवेंचर, मेरे दोस्त की है, एंड उस पर हम लोग अल्फा परफॉर्मेंस ऑक्सिलरी लाइट्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहले बाइक के पास और देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है। सो गाइज ये है मेरे दोस्त की KTM एडवेंचर 390, और वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही इस बाइक के साथ कर रखी है, जैसे कि ये जो क्लैम्प्स है ये यूनिवर्सल क्लैम्प्स है मैड डॉग के, ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिए क्रैश गार्ड पे। यहाँ एक किया हुआ है और यहाँ एक किया हुआ है। द रीज़न मैंने इसको यहाँ करने का इंस्टॉल करने का सोचा है ताकि ये क्रैश गार्ड के लाइट्स अंदर रहे तो क्रैश के समय लाइट्स को कुछ हार्म ना हो। और बाकी का सेटअप यहाँ है, ये मैड डॉग अल्फा लाइट्स है, स्विच प्रो, हार्नेस प्रो, कुछ सेटअप जो मुझे लगेगा वायर्स वगैरह जोड़ने के लिए और मल्टीमीटर। तो ये जो प्रोसेस है वो एडवेंचर 390 के लिए तो सेम ही रहने वाली है, KTM के दूसरे बाइक्स के लिए भी सेम रहने वाली है। अगर आपको हिमालयन पे भी इंस्टॉल करना है तो प्रोसीजर सेम रहने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं आता है, वायरिंग सेम रहती है, सिर्फ बाइक टू बाइक थोड़ा सा क्या होता है कि वायरिंग कहाँ से घुमानी है वो चेंज हो जाता है। तो बने ही रहिए दोस्तों, मैं आपको सब चीज़ें एक साथ दिखाता हूँ। एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑक्सिलरी लाइट्स इंस्टॉल करने के लिए लेने वाले हैं तो सबसे पहले क्लैम्प्स और जो यूनिवर्सल माउंट्स होते हैं लाइट्स के या फिर जो भी बाइक स्पेसिफिक माउंट्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करके लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वायर का तो कैसा रहता है कि हमें पता रहता है कि वायर कहाँ से कैसे लेके जानी है, पर ये जो क्लैम्प्स हो गए फिर ये जो माउंट्स हो गए यूनिवर्सल और जो लाइट्स है वो सबसे पहले आप अलाइन करके रखिए आपके हिसाब से, जो आपको कंफर्टेबल स्पेस लगती है, बेटर प्लेस लगती है आपके बाइक पे, वहाँ इंस्टॉल करके रखिए ताकि टाइम कंज्यूम आपका ज़्यादा ना हो बाद में कि कहाँ लाइट लगाए। और इससे और एक हेल्प ये हो जाती है कि जब आप लाइट पहले से इंस्टॉल कर लेते हैं, क्लैम्प्स पहले से इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वायरिंग आपको कैसे करनी है, कहाँ से हाइड करके लेके जानी है वो भी आपको इजीली पता चल जाता है। तो आप पहले लाइट लगाइए और फिर वायरिंग करिए तो आपका प्रोसीजर बहुत ईजी हो जाएगा। सो दोनों ही अल्फा ऑक्सिलरी लाइट्स जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, मतलब माउंट हो चुके हैं। मैंने क्रैश गार्ड के एक तरफ और इस तरफ लगा लिए हैं, अब वायरिंग करना सॉर्टेड है, ये इधर ही रहने वाले। तो जो मेन जो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था वो ख़त्म हो गया है, अब हम लोग वायरिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप सोच रहे रहेंगे कि जो ऊपर स्काउटेक्स लगाया है वो किसने लगाया है, वहाँ क्यों नहीं लगा सकते, तो स्काउटेक्स मैंने नहीं लगाया वहाँ, वो एक्चुअली KTM के सर्विस सेंटर वालों ने इंस्टॉल किया है। और एक गलती भी की है उन्होंने कि उन्होंने जो कनेक्शन लिया है वो कहाँ से लिया है मैं आपको बताऊँगा, और इसका कनेक्शन एक्चुअली कहाँ से लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वो ध्यान में रखिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कनेक्शन करते समय। सो गाइज अभी हार्नेस के पार्ट पे आते हैं। हार्नेस कनेक्ट करने से पहले आप स्विच असेंबल कर लीजिए, स्विच असेंबल करना बहुत इजी है, जनरल क्लैंपिंग वाला स्विच है और ये उसके वायर्स हैं। उसके बाद हार्नेस कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया है कि बाइक का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पैनल है, टैंक का जो पैनल है, वो निकाल दिया है ताकि मैं ये जो अंदर से यहाँ दिख रहा है ना गैप आपको, और ये जो फ्रेम दिख रही है यहाँ से, यहाँ से लेके इस तरफ बैटरी के पास वायर ले सकूं। ये हार्नेस है जो कि हम कनेक्ट करने वाले हैं, इसको तीन कपलर्स दिए, वाटरप्रूफ कपलर्स, ये फ्यूज़ है और ये रिले है। तो अल्फा को जैसे मैंने कहा था पिछले वीडियो में, वी हैव टू यूज़ हार्नेस प्रो, जो कि हाई कैपेसिटी वाली हार्नेस है जो अल्फा और जो डेल्टा ऑक्सिलरी लाइट्स है उनको लगते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से वायर कंसील्ड करते करते वायर को अच्छे से केबल टाई से बांधेंगे और यहाँ से निकाल के बैटरी तक लेंगे, और उसके बाद मैं आपको आगे का कनेक्शन बताता हूँ जो कि स्विच से होने वाला है। कमिंग टू द हार्नेस कनेक्शन गाइज, आपको हार्नेस के साथ दो वायरें मिलेंगी, वन इज़ द रेड कलर एंड अनदर वन इज़ ब्लैक कलर। जो रेड कलर की वायर है वो आपको बैटरी के पॉजिटिव में लगानी है जैसे यहाँ मैंने लगाया है, और ब्लैक कलर की जो वायर है वो बैटरी के नेगेटिव में लगानी है। और ऐसे करते हुए मैंने यहाँ से वायर को कंसील किया हुआ है, ये देखिए फ्रेम के अंदर से डाला है, और फिर यहाँ से
सब वायर्स निकालते हुए जो दो लाइट्स को जो कपलर जाते हैं वो ये है, और एक जो थर्ड कपलर है हार्नेस में वो स्विच को जाता है जो कि ये है। और स्विच के कपलर के साथ आपको ये देखिए एक वाइट वायर मिलेंगी। अब जो ये वाइट वायर है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वायर, जहाँ कनेक्शन बहुत देना इम्पॉर्टेंट रहता है ताकि आपकी ऑक्सिलरी लाइट स्विच के साथ काम करे। तो ये जो वाइट वायर है ये आपको इग्निशन वायर के साथ कनेक्ट करनी है, और जो इग्निशन वायर KTM में दी है वो हम लोग आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर फॉर एक्सेसरीज KTM ने यहाँ दो कपलर्स दिए हुए हैं जहाँ आप एक्सेसरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा पुल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ दिखेगा, ये देखिए एक्सेसरी लिखा हुआ है, ये देखिए 2.3, और जो 2.4 है ये एक्सेसरीज के कपलर्स हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं। और ये वो जो दो कपलर्स हैं इसमें जब भी आप इग्निशन ऑन करते हैं, मतलब ये कि ऑन करते हैं, तो यहाँ आपको 12 वोल्ट का सप्लाई मिलता है। तो जो वाइट वायर्स जो स्विच से आ रही है ये वाली, उसको मैंने ये ग्रे वायर से एक्सटेंशन दिया हुआ है, और ग्रे वायर मैंने ऐसे अंदर से कंसील करते हुए यहाँ तक लेके आई है। अब ये ग्रे वायर मैं इसमें अंदर इंसर्ट करूँगा एक लग्स के थ्रू ताकि कनेक्शन अच्छे से हो सके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है क्योंकि KTM 390 एडवेंचर में आपको ऐसे कपलर्स दिए गए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कनेक्टिंग द एक्सेसरीज, जैसे अपने चार्जर हो गया या फिर ऑक्सिलरी लाइट्स हो गया उनके लिए। तो ये ध्यान में रखिए, कहीं भी यहाँ आपको कनेक्ट नहीं करना है इग्निशन के वायर। अभी जो सर्विस सेंटर वाले बंदे हैं उन्होंने वायर्स को इधर कनेक्ट किया था, दिस इज़ द कनेक्शन जहाँ उन्होंने कनेक्ट किया था, यहाँ इस पार्ट पे। यहाँ भी सप्लाई आता है बट दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि यहाँ वायर एक्सपोज रहेंगे, पानी जा के ख़राब हो जाएगा, और फिर ऑक्सिलरी लाइट्स एक दिन आपके फ्लिकर करने लगेंगे, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए एक्सेसरी पोर्ट में ही आप लगाइए। अभी एक्सेसरी पोर्ट में लगाने का फ़ायदा और एक है दोस्तों, कि कहीं भी आपको वायरिंग कट नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ लाके देनी है, और इसके वजह से आपकी वारंटी वॉइड नहीं होने वाली है। इसलिए स्पेसिफिकली आपको ये एक्सेसरी पोर्ट दिया गया है KTM वालों ने, ताकि आप ना जो वायर्स है वो इधर कनेक्ट करें, ना कि कहीं आगे कट करके उनको जोड़ें। तो अगर आप इधर कनेक्ट करते हैं कोई वायर कट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी। सो गाइज, फाइनली वायरिंग हो चुकी है, थोड़ा सा देर से शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली दोपहर को हो गई थी वायरिंग, पर कुछ काम में बिजी हो गया था। तो यहाँ की सारी वायरिंग सॉर्टेड हो चुकी है, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको हैंगिंग वायर नहीं नज़र आएंगी, एकदम क्लीन है, ये जो एरिया है एकदम क्लीन होना चाहिए। तो वायरिंग वगैरह भी सब अच्छे से की हुई, यहाँ की भी वायरिंग जो है वो सब सॉर्टेड हो चुकी है। और आप ये जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ, ये देखिए मैंने जो है ये रेड कलर का एक लग्स लगाया हुआ है जो कि ये वाले कपलर में गया हुआ है, इससे हमने ऑक्सिलरी कनेक्शन लिया हुआ है जो कि इग्निशन पे काम करता है। तो ऐसे सब वायरिंग है, अभी मैं सब वायरिंग्स को अंदर पुश करूँगा जैसा कि वैसे ऑर्गेनाइज करूँगा, और फिर आपको एक बार इस बाइक के ऊपर जो लाइट्स लगे हुए हैं इतने सारे, वो लाइट्स में आपको ऑन करके दिखाऊंगा, और इसका परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। हेडलाइट स्प्राउटेक्स एंड अल्फा ऑफ, स्काउटेक्स ऑफ, हेडलाइट ऑफ, अल्फा एंड स्काउटेक्स। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया है, वैसे तो काफ़ी शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश की है, एंड मुझे लगता है कि आपको ये जो LED लाइट्स का कॉम्बो है वो भी अच्छा लगा रहेगा। वैसे तो ये कॉम्बो आप कोई भी बाइक पे बिठा सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इग्निशन वायर है
वो आपके बाइक के हिसाब से कनेक्ट करनी है ताकि आपका जो स्विच और हार्नेस है वो बराबर से काम करे और वारंटी कहीं भी आपकी वॉइड ना हो। और अगर आपको ये कॉम्बो परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये इजीली परचेस कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये पसंद आया, प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक बढ़िया से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।